हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर गाइस, जब भी आपको कॉल आता है या फिर आप किसी को कॉल करते हैं, तो यहाँ पर गाइस आपको एक यहाँ पर वॉइस मैसेज यहाँ पर आता है गाइस, जो कि यहाँ पर बोलता है कि आपका जो कॉल है वो रिकॉर्ड हो रहा है, बोलकर योर कॉल इज़ बीइंग रिकॉर्डेड, ऐसा सुनाई देता है। तो गाइज, ये क्यों सुनाई देता है और इसे कैसे बंद करना है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिए और ध्यान से देखिएगा। अगर गाइज अब स्किप करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा और नहीं कर पाएंगे आप। तो यहाँ पर नए फ़ोन्स जैसे कि निकले हैं, वीवो, ओप्पो, तो बहुत सारे यहाँ पर फ़ोन्स यहाँ पर नए लॉन्च हुए हैं, जिसमें गाइज डिफ़ॉल्ट एक डायलर होता है जो कि गूगल का होता है। तो यहाँ पर अगर आपने अपने डायलर के अंदर से अपना कॉल रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली ऑन रखा है, और अगर आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं डिफ़ॉल्ट डायलर जो कि यहाँ पर रहता है अपना गूगल डायलर, डिफ़ॉल्ट डायलर जैसे गूगल का आ रहा है अभी के फ़ोनों में, जितने भी फ़ोन्स अभी निकल रहे हैं गाइस, तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है। इसमें ये अनाउंसमेंट हो जा रहा है गाइस, सामने वाले बंदे को मालूम हो जा रहा है कि आप यहाँ पर कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं बोलकर। इसे कैसे बंद करना है इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो गाइज, आपको क्या करना होगा, अगर आपका ओप्पो वीवो फ़ोन है और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट गूगल डायलर है, तो यहाँ पर आप इसे अनइंस्टॉल कर लीजिए और आप यहाँ पर प्ले स्टोर पर जाइए। और प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको बहुत सारे यहाँ पर डायलर मिल जाएंगे। यहाँ पर आप फ़ोन का सैमसंग का डायलर लीजिए, वो अच्छा है, इसके अंदर नहीं आएगा। तो ये गूगल ज़रा एडवांस है गाइज, तो इसीलिए यहाँ पर ये सामने वाले को बोल दे रहा है। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर लेना चाह रहे हैं तो सैमसंग का लीजिएगा, सैमसंग फ़ोन डायलर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप ट्रूकॉलर का भी ले सकते हैं, ट्रूकॉलर का भी यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पर ट्रूकॉलर का डायलर लीजिए, या फिर आपको ट्रूकॉलर के अंदर जाने के बाद डिफ़ॉल्ट डायलर कर लीजिए ट्रूकॉलर को। आप गूगल डायलर को बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि सामने वाले बंदे को पता चल जाएगा आप कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं। या फिर अगर किसी का आपको फ़ोन आता है, तो इसके अंदर अगर डिफ़ॉल्ट डायलर होगा तो आपको सुनाई देगा कि यहाँ पर कॉल रिकॉर्ड हो रहा है बोलकर। तो आपको गाइस यहाँ पर आपको पहली फुर्सत में जो डायलर है उसे अनइंस्टॉल कर लेना है, डिफ़ॉल्ट डायलर गूगल डायलर अनइंस्टॉल कर लेना है आपको। तो और यहाँ पर जो आपका डायलर है उसे डिफ़ॉल्ट कर लेना है गाइस। मैं सैमसंग का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, तो इसीलिए यहाँ पर मैं सैमसंग का डिफ़ॉल्ट कर दिया। तो आपको बिल्कुल भी ये जो गूगल का डायलर है उसे यूज़ नहीं करना है, ये गूगल डायलर की वजह से ही होता है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है नीचे कमेंट कीजिए, सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।